आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, मैं आपको बताऊंगा गूगल क्रोम के बारे में, जिसमें हमारे पास बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। यदि आप किसी भी साइट में विजिट कर सकते हो, यदि आप चाहते हो कि आप उसकी ऑफिशियल साइट पर विजिट करें, ठीक है। सो आ जाते हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। एज यू कैन सी दैट, जैसे मैंने अपना गूगल ओपन कर लिया हूँ। सो यहाँ मैं आपको बताऊंगा जस्ट लाइक दैट कि आपके पास ये गूगल क्रोम शो कर रहा है, यहाँ गूगल सर्च एंड आई एम फीलिंग लकी, ठीक है। आप क्या आप जानते हो कि इसका आपने यूज़ किया हो, गूगल सर्च एंड आई एम फीलिंग लकी, कि आपने इसका यूज़ किया हो? अब मैं बताऊंगा किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी दैट कि जैसे मुझे बैंक की ऑफिशियल साइट पर जाना है, और मैं चाहता हूँ कि मैं बैंक की ऑफिशियल साइट पर ही जाऊँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर कर देता हूँ SBI, एंड मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पर मुझे लॉट ऑफ साइट्स दिखेगी। सो जिससे मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता हूँ कि इसकी ऑफिशियल साइट कौन सी है, आई एम जस्ट कॉन्शियस दैट, क्योंकि ऐसी बहुत ज़्यादा वेबसाइट बन चुकी है, कुछ लोग बहुत से स्कैम भी करते हैं। तो इसके लिए यदि आप चाहते हो इसकी ऑफिशियल साइट पर पहुंचना, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। आपको ये जो गूगल सर्च है, इसको आपको गूगल सर्च में आपको SBI टाइप करना है, ठीक है। देन आपको आई एम फीलिंग लकी पर क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे क्लिक करोगे तो एज यू कैन सी दैट कि आप जो SBI की ऑफिशियल साइट है, उस पर आप रिडायरेक्ट हो चुके हैं ना। सेम एज इट इज़ यदि आप चाहते हो पंजाब नेशनल बैंक या HDFC, ठीक है। HDFC पर क्लिक करना है, देन फीलिंग लकी। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर विजिट कर लोगे। तो इस तरीके से यदि आप किसी भी वेबसाइट की ऑफिशियल साइट पर रिडायरेक्ट होना चाहते हो, तो इसके लिए आपको आई एम फीलिंग लकी इस ऑप्शन का आपको यूज करना होगा। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। होप ये वीडियो आपको आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। यदि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है, तो मिलते हैं ऐसे और नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।